दिनांक 9 सितंबर 2022 को दस लक्षण महापर्व के समापन दिवस पर मिठन मोहल्ला करनाल में सर्वप्रथम श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा, श्री वासु पूज्य भगवान का निर्वाण लाडू महोत्सव और भव्य रथ यात्रा का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ, जिसमें सकल जैन समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे प्रधान श्री वीरेश जैन जी, सचिव दीपक जैन जी, कोषाध्यक्ष दीपेश जैन जी, भंडारी अजय जैन जी, पूर्व प्रधान श्री निर्मल कुमार जैन जी और समस्त श्री दिगंबर जैन सोसाइटी मिठन मोहल्ला करनाल का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। पर्व दश लक्षण आया है भक्तों ने प्रभु के भक्ति से अपना उपवन सजाया है। पर्व दश लक्षण आया है भक्तों ने प्रभु की भक्ति से अपना उपवन सजाया है। पर्व दश लक्षण आया है। दश लक्षण का ये बगीचा कितना सुंदर लगता है। भादो शुक्ला पंचमी से 14 तक यह सजता है। दश लक्षण का ये बगीचा कितना सुंदर लगता है। भादो शुक्ला पंचमी से 14 तक यह सजता है। पर्व दश लक्षण आया है भक्तों ने प्रभु के भक्ति से अपना उपवन सजाया है। पर्व दश लक्षण आया है। विलक्षण गति है ये सबको नाच नचाते, इनसे मुक्ति पाने की युक्ति ये धर्म बताते। पर्व दश लक्षण आया है भक्तों ने प्रभु की भक्ति से अपना उपवन सजाया है। पर्व दश लक्षण आया है। यह पर्व क्षमा गुण का शुभ संदेश लिए आता है। भव भव के बैर भुला कर मैत्री को सिखलाता है। यह पर्व क्षमा गुण का शुभ संदेश लिए आता है। भव भव के बैर भुला कर मैत्री को सिखलाता है।
पर्व दश लक्षण आया है, पर्व दश लक्षण आया है। भक्तों ने प्रभु के भक्ति से अपना उपवन सजाया है, पर्व दश लक्षण आया है। बस जावे पारस प्रभु सम कष्टों में भी धैर्य हृदय बस जावे। पर्व दश लक्षण आया है, पर्व दश लक्षण आया है। भक्तों ने प्रभु की भक्ति से अपना उपवन सजाया है, पर्व दश लक्षण आया है। धर्म कल्प तरु मुझको सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, चंदना मती नर भव का अब सच्चा ज्ञान हुआ है। यह धर्म कल्प तरु मुझको सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, चंदना मती नर भव का अब सच्चा ज्ञान हुआ है। पर्व दश लक्षण आया है, पर्व दश लक्षण आया है। भक्तों ने प्रभु की भक्ति से अपना उपवन सजाया है, पर्व दश लक्षण आया है, पर्व दश लक्षण आया है। भक्तों ने प्रभु की भक्ति से अपना उपवन सजाया है, पर्व दश लक्षण आया है, पर्व दश लक्षण आया है, पर्व दश लक्षण आया है। करनाल जैन समाज ने आज रथ यात्रा निकाली, शोभा यात्रा का आयोजन किया। सभी करनाल वासियों को, नगर वासियों को, हरियाणा वासियों को, सभी को इस पर्व पर हार्दिक बधाई व धन्यवाद। दस लक्षण पर्व 31 अगस्त से प्रारंभ हुए थे और आज अनंत चौदस तक चलते हुए 11 तारीख को छमावनी पर्व मनाने के बाद संपन्न होंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमने भगवान वासुपूज्य का मोक्ष कल्याणक बनाया और शांतिनाथ भगवान जी को रथ पर लेकर नगर भ्रमण कराया, जिसमें हमारे जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 500 बच्चों ने भी शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा बढ़ाई और सभी स्टाफ मेंबर और समाज ने बहुत ही हर्षोल्लास से काम किया। आज के सोधर्म इंद्र अजय कुमार जैन सुपुत्र श्री अजीत कुमार जैन जी ने मौका पाया और सारथी का उपलक्ष श्री अनिल कुमार जैन सुपुत्र श्री पवन कुमार जैन जी ने इसको ग्रहण किया और चमल की बोली नितिन जैन सुपुत्र श्री महावीर जैन ने और कमल की बोली दीपक जैन सुपुत्र श्री राजेंद्र कुमार जैन जी ने यह सौभाग्य चारों जनों ने प्राप्त किया। हमें इस बार दस लक्षण पर्व पर बहुत आनंद आया, क्योंकि सोनागिर से जो दीदी आई हैं उनके सानिध्य होने की वजह से शाम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, उन प्रतियोगिताएं जो हुई हैं उनकी वजह से हमारा सम्मान सम्मान बढ़ा है और हमें ये सेवा करने का मौका मिला है कि हम चौके में उनकी सेवा कर सकें। और दस लक्षण पर्व का पर्व हमने बहुत धूमधाम से और आनंद के साथ मनाया। आज की शोभा यात्रा में तो ऐसा आनंद आया कि इंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी अपना आशीर्वाद हमें दिया। नवकार चैनल का मैं पुनः
धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। राहुल जैन जी हमें हर समय साथ देते रहते हैं, हम जब भी उनको फ़ोन पर बुलाते हैं जब भी वे आ जाते हैं और अपनी टीम को भेज देते हैं। धन्यवाद, सादर जय जी।